personal income tax. Coming to personal income tax rates, I have two announcements to make for those opting for the new tax regime. This year, I have made a provision of 1.52 lakh crore rupees for agriculture and allied sectors. Andhra Pradesh Reorganization Act. बजट बजट कैसा बजट, अच्छा बजट या बुरा बजट, मिडिल क्लास का बजट या हाई क्लास का बजट, इनकम टैक्स वाला बजट या नौकरी वाला बजट, ये सब डिस्कशन जो है हो ही रहा है। लेकिन कुर्सी बचाओ बजट भी कहा जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 1 घंटे 25 मिनट के बजट भाषण को विपक्ष ने ये संज्ञा दी है, कुर्सी बचाओ बजट। संसद में आज कई तस्वीरें हैं, तस्वीर अखिलेश और राहुल गांधी की तब जब प्रधानमंत्री के जिक्र के बीच अचानक कैमरा उन दोनों पर आकर टिक गया। खूब बातें हुई हैं, बात सस्ती और महंगी चीज़ों की भी हुई हैं, बात नौकरियों की भी हुई हैं, इनकम टैक्स में छूट की भी हुई है और सबसे बहस तलब बिहार की भी बात हुई है, आंध्र प्रदेश की भी बात हुई है। इन सब सारी बातों को आज लोगों के बीच रखा गया है बजट की शक्ल में। ये तमाम जानकारी लेकर हाजिर है आपका अपना शो संसद में आज। नमस्ते, मैं हूं सिद्धांत और चलिए शो शुरू करते हैं। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। 11:03 पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट सदन के माध्यम से देश के सामने रखा। बजट की गूढ़ बातों पर तो बातें करेंगे, पहले जरूरी ये है कि हम उन तथ्यों को आपके बीच रखें जिन्हें जानने में आपकी दिलचस्पी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले बात इनकम टैक्स की, आय कर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के आखिर में तकरीबन 12:24 के आसपास दो बड़े ऐलान किए, सुनिए। इन द न्यू टैक्स रेजीम द टैक्स रेट स्ट्रक्चर इज प्रपोज्ड टू बी रिवाइज्ड एज फॉलोस। 0 to 3 lakh rupees nil, 3 to 7 lakh rupees 5%, 7 to 10 lakh rupees 10%, 10 to 12 lakh rupees 15%, 12 to 15 lakh rupees 20%, and above 15 lakh rupees 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. निर्मला सीतारामन ने अपने बजट भाषण की शुरुआत में कहा कि मोदी 3.0 सरकार के इस पहले बजट में चार विषयों पर खासा जोर दे रही है। इनमें गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और महिलाओं को शामिल किया गया है। इस बजट में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं के रोजगार और कौशल विकास की भी बात की गई है। इसमें 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है, सुनते हैं। We particularly focus on employment, skilling, MSMEs and the middle class. I am happy to announce the Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period. With a central outlay of 2 lakh crore rupees. I will speak about them shortly, while more details may be seen in the annexure. वित्त मंत्री ने कहा कि रोजगार, कौशल विकास, SME और मध्यम वर्ग पर खासा जोर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा और जब इंटर्नशिप चल रही होगी तो युवाओं को 5,000 रुपये प्रतिमाह का भत्ता दिया जाएगा और साथ ही 6,000 रुपये की एकमुश्त राशि भी दी जाएगी, यानी हर महीने 5,000 का स्टाइपेंड और ज्वाइनिंग का अमाउंट 6,000 रुपये दिया जाएगा, सुनिए। Internship in top companies. As the 5th scheme under Prime Minister's package, our government will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. They will gain
gain exposure for 12 months to real life business environment, varied professions and employment opportunities. An internship allowance of 5,000 per month, 5,000 rupees per month, along with a one-time assistance of 6,000 rupees will be provided. Companies will be expected to bear the training cost and 10% of their internship cost from their CSR funds. यानी समझ में आता है कि सरकार रोजगार के लिए अपनी अपनी किस्म की प्लानिंग कर रही है और प्लानिंग किस तरह से हो रही है ये आपने अभी देख लिया। अब बारी आती है किसानों की। सवाल ये कि किसानों के लिए सरकार ने क्या ऐलान किए हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में किसानों के लिए बड़ी घोषणा की गई है बजट में। खेती किसानी संबंधी योजनाओं और उन कामों को पूरा करने लिए के लिए 1,52,000 करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान हुआ है। साथ ही वित्त मंत्री ने 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की तैयारी के बारे में भी जानकारी दी। सुनिए। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर बॉयड बाय द सक्सेस ऑफ द पायलट प्रोजेक्ट आवर गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स विल फैसिलिटेट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर फॉर कवरेज ऑफ फार्मर्स एंड देयर लैंड्स इन 3 years. During this year, digital crop survey for Kharif using the DPI will be taken up in 400 districts. The details of 6 crore farmers and their lands will be brought into the farmer and land registries. Further, the issuance of Jan Samarth based Kisan credit cards will be enabled in 5 states. Shrimp production and export. Financial support for setting up a network of nucleus breeding centers for shrimp brood stocks will be provided. Financing for shrimp farming, processing and export will be facilitated through NABARD. National cooperation policy. Our government will bring out a national cooperation policy for systematic, orderly, and all-round development of the cooperative sector, fast-tracking growth of rural economy and generation of employment opportunities on a large scale will be the policy goal. This year, I have made a provision of 1.52 lakh crore rupees for agriculture and allied sectors. बजट में एनडीए के सहयोगी दलों जैसे जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू और तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी शासित राज्यों में जैसे बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए भी खास ऐलान हुए हैं। जैसे कि बिहार के लिए बजट में नए एयरपोर्ट और पुल बनाने का ऐलान हुआ है। राज्य की अतिरिक्त बजट की मांग मदद की मांग को मानने पर रजामंदी दिखाई गई है। गया और दरभंगा में एक्सप्रेसवे, बक्सर में गंगा जी पर 2 लेन वाला पुल, पटना पूर्णिया और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बनाने का भी वादा किया गया है। वित्त मंत्री ने बजट में कहा कि बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़कों के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत गया में इंडस्ट्री डेवलपमेंट का काम होगा। साथ ही बिहार के गया में विष्णुपद और महाबोधि मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। लेकिन जब बात आती है बारिश की वजह से होने वाले नुकसान की तो सरकार की ओर से मदद पहुंचाने वाले राज्यों की लिस्ट में असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को भी बिहार के साथ रखा गया है। और यह भी कहा गया है कि बिहार की बाढ़ में के लिए जिम्मेदार नेपाल से भी वार्ता की जाएगी। सुनिए वित्त मंत्री को। बिहार हैज फ्रीक्वेंटली सफर्ड फ्रॉम फ्लड्स, मेनी ऑफ देम ओरिजिनेटिंग आउटसाइड द कंट्री। प्लान्स टू बिल्ड फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन नेपाल आर येट टू प्रोग्रेस। आवर गवर्नमेंट through the accelerated irrigation benefit program and other sources will provide financial support for projects with estimated cost of 11,500 crore rupees such as the Kosi Michi intrastate link and 20 other ongoing and new schemes
including barrages, river pollution abatement, and irrigation projects. In addition, survey and investigation of Kosi-related flood mitigation and irrigation projects will be undertaken. Assam grapples with floods every year by the Brahmaputra River and its tributaries originating outside India. We will provide assistance to Assam for flood management and related projects. Himachal Pradesh suffered extensive losses due to floods last year. Our government will provide assistance to the state for reconstruction and rehabilitation through multilateral development assistance. Uttarakhand too suffered losses due to cloudbursts and massive landslides. We will provide assistance to the state. Recently, Sikkim witnessed devastating flash floods and landslides that wreaked havoc across the state. Our government will provide assistance to the state. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत अतिरिक्त मदद दी जाएगी इस राज्य को। नई राजधानी के विकास के लिए आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा इस बजट में की गई है। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आवर गवर्नमेंट हैज मेड कंसर्टेड एफर्ट्स टू फुलफिल द कमिटमेंट्स इन आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट recognizing the state's need for the capital, recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. Our government is fully committed to financing and early completion of the Polavaram irrigation project, which is the lifeline for Andhra Pradesh and its farmers. This will facilitate our country's food security as well. Under the Act, Andhra Pradesh Reorganization Act, for promoting industrial development, funds will be provided for essential infrastructure such as water, power, railways, and roads in Koparthi node on the Visakhapatnam Chennai industrial corridor and Varavakkal node on the Hyderabad Bengaluru industrial corridor. An additional allocation will be provided this year towards capital investment for economic growth. Grants for backward regions of Rayalaseema, Prakasham, North Coastal Andhra, as stated in the Act, will be provided. बजट में और भी घोषणाएं हुई। इनकम टैक्स वगैरह की घोषणा, तो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और एसेट होल्ड करने संबंधी घोषणाएं। इन सारी घोषणाओं को हमने आज के ललन टॉप शो में और अपने इकोनॉमिकल बुलेटिन खर्चा पानी में कवर किया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब बात एक तस्वीर की। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में महिलाओं के नेतृत्व वाले डेवलपमेंट की बात छेड़ी। विषय बढ़ा तो पहुंचा प्रधानमंत्री जनजातीय ग्राम उन्नत अभियान पर।
ये वो अभियान है जिस तरह जनजातीय इलाकों में, आदिवासी इलाकों में गांवों को चिन्हित किया जाता है और उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की कोशिश की जाती है। इसी बीच जब ये घोषणा हो रही थी, इस पर बातचीत हो रही थी, सदन का कैमरा घूम गया। उसमें नज़र आए राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं और सपा सांसद अखिलेश यादव, पीछे एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले और डीएमके सांसद एमके कनिमोझी से कुछ बात कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ बजट की बातों को सुनकर मेज थपथपा रहा सत्ता पक्ष भी नजर आया। फॉर प्रमोटिंग विमेन लेड डेवलपमेंट द बजट कैरीज एन एलोकेशन ऑफ मोर देन 3 लाख करोड़ फॉर स्कीम्स बेनिफिटिंग विमेन एंड गर्ल्स। This signals our government's commitment for enhancing women's role in economic development. Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan for improving the socio-economic condition of tribal communities, we will launch the Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan by adopting saturation coverage for tribal families in tribal majority villages and aspirational districts. इन तस्वीरों के बीच आप तलाश रहे होंगे कि सस्ता महंगा क्या हुआ है, ग्राफिक से समझते हैं। दरअसल बजट में दवाओं और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को घटाने का निर्णय लिया गया है। कैंसर की 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह हटाने की घोषणा हुई, साथ ही फ़ोन और एसेसरीज पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 15% तक घटा दिया गया है। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क 6% घटाया गया है, वहीं प्लैटिनम पर 6.4% सीमा शुल्क तक ला दिया गया है सीमा शुल्क को। सोलर पैनल में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनमें भी छूट देने की बात कही गई है। 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दे दी गई है इन खनिजों को। और खनिजों से क्या होता है कि दरअसल ये खनिज जो होते हैं वो हमारे टेलीकम्युनिकेशन के इक्विपमेंट्स में और डिफेंस इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल में लिए जाते हैं। वहीं झींगा और मछली के खाने पर सीमा शुल्क घटाकर 5% तक कर दिया गया है, जिसके पीछे सरकार का कारण है कि इससे मरीन एक्सपोर्ट्स यानी समुद्र के रास्ते होने वाले एक्सपोर्ट्स में सरकार को मदद मिलेगी। इसके अलावा चमड़े और चमड़े के सामान को एक्सपोर्ट करने पर लगाया जाने वाला सीमा शुल्क भी घटा दिया गया है। ये तो वो सामान था जो सस्ता किया गया है, लेकिन कुछ चीज़ें महंगी भी होती हैं। ये लिस्ट देख लीजिए। टेलीकॉम उपकरणों पर लगने वाला मूल सीमा शुल्क 10% से बढ़ा के 15% किया गया है। प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स पर भी सीमा शुल्क बढ़ाया गया है। अमोनियम नाइट्रेट पर भी सीमा शुल्क 7.5% से बढ़ाकर 10% तक कर दिया गया है। बजट पेश करने के बीच कुछ छिटपुट नारेबाजी भी हुई, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों को शांत कराकर प्रक्रिया कार्यवाही आगे बढ़ाई। चलते हैं राज्यसभा की तरफ। दोपहर 1:29 पर सदन की कार्यवाही शुरू हुई। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ बातें रखने की कोशिश की, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ को ये बातें सही से समझ नहीं आईं, तो उन्होंने इन बातों को सदन की कार्यवाही से बाहर कर दिया। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट को सदन में रखा। इस दरमियान विपक्ष की ओर से तेज हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 24 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बजट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।